नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 से। आपको बता दें, श्रद्धालुओं से भरी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं इस तरफ से बस पूरी टूटी हुई, और ये ब्यास से करनाल की तरफ आ रही थी, और तब ही बताया जा रहा है कि एक ट्रक के साथ टक्कर होती है। ट्रक में सरसों का तेल की जो पेटियां होती हैं वो लोडेड है। हालांकि इसमें जो सवारियां हैं वो काफी सवारियां घायल भी हुई है। PB03BF403140 31 जो है लास्ट नंबर है, और आप देख सकते हैं तेल की ये पेटियां हैं, तेल की पेटियां हैं जो पूरे हाईवे पर बिखर जाती है। तमाम जो लोग हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे आसपास के, यहां पर मदद करते हुए। हालांकि पुलिस आपको नज़र आ जाएगी यहां पर तैनात है, और कई लोगों को दूर हटाती हुई भी नज़र आ जाएगी। क्रेनों को मौके पर बुला लिया गया है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो तेल की जो पेटियां हैं वो पूरे हाईवे पर बिखर जाती है। कई सवारियां जो बस में सवार थी वो घायल हो जाती हैं। श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो ब्यास की तरफ से आ रहे थे, और साथ साथ जो इस ट्रक चालक बताया जा रहा है वो भी शायद घायल हुआ, और उसको भी अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि किसी की दुखद मौत की इसमें खबर नहीं है, ये गनीमत रही क्योंकि हादसा काफ़ी बड़ा है। ट्रक जो है वो बीचों बीच पलट जाता है, नेशनल हाईवे के बीचों बीच पलट जाता है, चारों तरफ तेल की बोतलें ही बोतलें बिखर जाती है। पुलिस की टीमें, कई लोग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार जो है मामले नेशनल हाईवे पर हादसे के जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जिन्होंने मदद भी की है, सवारियों को जो है अस्पताल पहुंचाने में मदद की है, और अब जो पेटियां हैं, तेल की जो पेटियां हैं वो यहां पर हाईवे से जो है किनारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्रेन जो ट्रक को उठा रही है उसके जो पिछले दो पहिए हैं वो हवा में आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ट्रक काफ़ी ज़्यादा लोडेड है और बुरी तरीके से बीचों बीच नेशनल हाईवे के पलट जाता है। बताया जा रहा है पीछे से बस और उसके आगे जो है ट्रक चल रहा था, पीछे से जो बस है उसमें टक्कर मारती है, ऐसे जो है ये पूरा हादसा हो जाता है। हालांकि ओवरटेकिंग का मामला जो है फिलहाल बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की टीमें नज़दीकी नीलोखेड़ी थाना बताया जा रहा है वहाँ से भी पहुँची हुई है, नीलोखेड़ी चौकी जो बताई जा रही है वहाँ से पहुँची हुई है, और तमाम लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ऐसे हादसे लगातार होते हैं जब बहुत सा सामान जो है वो हाईवे पर बिखर जाता है, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि पूरी रात नेशनल हाईवे पर अगर इस तरीके से जो तेल की पेटियां ऐसे पड़ी रहेंगी तो अपने आप में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा ज़रूर होता है। आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है तेल ही तेल नज़र आ रहा है। नेशनल हाईवे पर कई बोतलें जो है वो पिचक कर फैल गई हैं, जिससे नेशनल हाईवे पर पूरा तेल जो है वो बिखरा हुआ है। हालांकि दूर दूर तक तेल की बोतलें जो है वो पड़ी हुई नज़र आ रही है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। त्रावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच में ये हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा रहा। हालांकि गनीमत है कि किसी की मौत की इसमें खबर नहीं है। जो ट्रक चालक बताए जा रहे हैं वो भी इसमें जो है थोड़े घायल बताए जा रहे हैं, और साथ साथ जो बस में सवारियां थी वो भी घायल बताई जा रही है। सभी को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। जानकारी है कि शायद जो है बस जो है करनाल की तरफ ही आ रही थी, करनाल के ही ये श्रद्धालु हो सकते हैं। जो जानकारी है कि घरोंडा के पास जो है शायद इस बस ने जाना था, जहां नीलोखेड़ी के पास ये हादसा हो जाता है। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं कि पूरे हाईवे पर तेल की जो पेटियाँ हैं वो नज़र आ रही है, और पुलिस जो है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ज़रूर मुस्तैद है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हादसे हो रहे हैं वो कितना बड़ा और विकराल रूप ले रहे हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले सुबह ऐसा हादसा होता है मधुबन के करीब नेशनल हाईवे पे, जहाँ पर दो लड़के अपनी जान गंवा देते हैं, और अब फिर से एक हादसा हुआ जिसमें कई लोग घायल हैं। हालाँकि जो बस की सवारी है उसके अंदर ही 12 से 20 के करीब जो है महिलाएँ इसमें बताई जा रही हैं, कि जो श्रद्धालु हैं घायल है, महिलाएं उसमें ज्यादा बताई जा रही हैं जो ब्यास की तरफ से आ रहे थे। ऐसे में नेशनल हाईवे 44 कहीं ना कहीं जिस पर लगातार हादसे सामने आते हैं। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुलिस से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और जो लोग जिन्होंने जो चश्मदीद हैं जिन्होंने बचाव किया उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 15-20-25 लेडीज है, बुजुर्ग की माताएं सभी, और सभी का चोटे भी आई, और हमने उसको हॉस्पिटल में, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में हमने उसको एडमिट भी कराया जाके। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इंसानियत की बात होती है सबसे बड़ी, जो कि सभी के सभी उठाए और फोन पे ऐसे लगा के वीडियो बनाने लगे, कोई किसी की कोई हेल्प नहीं की।
दर्द पेट से कर रही थी, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था। हुआ कैसे ये हादसा पता चला? हुआ ये हादसा 6 बजे मैं वहाँ से ड्यूटी से आ रहा था, मैं तब मैंने देखा और माता पिछली साइड में जो कि डीजल भी लीक था कि कुछ भी होने का खतरा था, और वो माताएं वहीं पे बैठी हुई थी, तो मैंने उनको जाके वहाँ से हटवाया, जाम लगवाया, रुकवाया सभी को, फिर हमने उस साइड में गुरुद्वारे के साइड में उनको बिठवाया, बिठाके फिर हमने एम्बुलेंस पे फ़ोन किया, और एम्बुलेंस पे फ़ोन किया तो वो 1 घंटे बाद आई मैक्सिमम, 6:15 हमने फ़ोन किया था तो 7:15 वो यहाँ पे आए उस साइड में, तब जाके हमने पूरे जाम लगा के माताएं को सभी को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। घायल थे लोग? घायल थे जो घायल थे बहुत सारे लेडीज महिलाएं घायल हुई है, वो भी घायल 3-4 लेडीज लोगों को यहाँ से कौन से व्हीकल कौन से लगे किस गाड़ी में दी गई वो बस एक सर में थी हाँ, उसका भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है वो भी। कितने बस में लगभग कितने लोग घायल हुए? 25 लेडीज थी जो माताएं थी सभी की सभी प्यास जा रही थी घायल हुई है, जो इनका चोट लगी है वो सारी हमने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराई, वहाँ से 4-5 जने तो उन्होंने दाखिल कर दिया, रेफर कर दिया कि आप लोग करनाल जाइए, हमारी बस की नहीं है। तो और जो इस ट्रक में मौजूद थे ड्राइवर? जो ट्रक में मौजूद थे ड्राइवर उनको भी हमने करना यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ही भिजवाया था, उनका भी काफी खून चोट लगी है लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी है, बचाव हो गया है। तो लगभग जो लोग घायल हुए हैं कैसी हालत है, नाजुक है या ठीक है? 4-5 जनों की तो नाजुक हालत है जी, और कुछ का ठीक है। सिविल हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया है, नीलोखेड़ी में। आपका नाम? मेरा नाम परमवीर है जी, मैं बरानी से हूँ और मैं ड्यूटी से आ रहा था उस टाइम जब ये हादसा हुआ यहाँ पे। जैसे कि आपको विदित है एक श्रद्धालु बस आ रही थी और इसके आगे एक तेल का एक ट्रक था, क्योंकि आप डिस्टेंस होते बस लगी है और उसके कारण ये ट्रक फट गया, कुछ श्रद्धालुओं को जो भी आई है उसे उसमें ठोक जा रही है, जे डी रोड को किले उतरवा रहे हैं और पिक लोग उठवा रहे हैं, और शिकायत प्राप्त हो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई अमल में लाई। तो अभी तक कितने लोग सर घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का काम घायल बता रहे हैं जी, और जो यहाँ से मौके से एम्बुलेंस में इलाज के लिए भेज दिए थे, अब इन दिनों में जो ट्रक में सामान हो